कैसे मरूं? पंखे से रस्सी टंगा के या बेडशीट बांध के? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की इस साल की सबसे धमाकेदार स्पोर्ट ड्रामा फिल्म घूमर को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर ने अपने पहले और दूसरे दिन लिए थोड़ी कम ओपनिंग, लेकिन तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में आने वाला काफी बड़ा जंप, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म को मिल रहा ऑडियंस की तरफ से काफी आउटस्टैंडिंग रिव्यू। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने दी फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग। फिल्म में अभिषेक बच्चन और सियामी खेर इन दोनों की परफॉर्मेंस को किया जा रहा है काफी ज्यादा पसंद। अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर ने अपने शुरुआती दो दिनों में इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से लगभग 3.5 करोड़ की कमाई कर ली है। लेकिन आज अपने तीसरे दिन ये फिल्म संडे होने की वजह से काफी अच्छी एडवांस बुकिंग कर रही है। जी हां दोस्तों, आज के दिन ये फिल्म लगभग 50 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग के साथ ओपन हुई है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि आज के दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में लगभग 20% से ज्यादा की देखी जा रही है। अगर बात करें इस फिल्म के आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज के दिन ये फिल्म इंडिया के साथ साथ दुनिया भर से लगभग 3 करोड़ की कमाई करने वाली है। इसी के साथ अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर का शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 6.5 करोड़ का हो जाएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ बताया जा रहा है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 हफ्तों तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई करने वाली है। तब तक ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 20 करोड़ तक की कमाई सिर्फ इंडिया से करते हुए बनने वाली एक हिट फिल्म।